नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों की 2.75 करोड़ की संपत्ति कुर्क। कई लोगों से धोखाधड़ी कर बनाई अकूत संपत्ति। यूपी के कौशाम्बी में गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने गैंगस्टर वसीम अहमद व खुशी केशवानी की चल अचल संपत्ति जब्त कर ली है। दोनों ने धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई थी। अब इन संपत्तियों को जिला प्रशासन ने सीज व कुर्क करने की कार्रवाई कर दी है। जिला मुख्यालय के पाता में स्थित भूमि व संपत्तियों को सीज किया गया। मूरतगंज में भी स्थित गैंगस्टर वसीम का मकान भी सीज किया गया। इससे गैंगस्टर के आरोपियों में हड़कंप मचा है। एसपी अभिनंदन ने बताया कि जिले में अभियान चलाकर गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। यूपी गैंगस्टर एक्ट के आरोपी वसीम अहमद व खुशी केशरवानी की लगभग 2.75 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। दोनों ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर संपत्ति बनाई है। यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया है। इससे गैंगस्टर के आरोपियों के हौसले पस्त हो गए हैं। जिले के अन्य गैंगस्टर के आरोपियों के खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। सर, एक गैंगस्टर के ऊपर कार्रवाई की गई, कितने की कार्रवाई की गई और क्या अभी तक कार्रवाई हुई? देखिए, हमारे जनपद में जो अपराधी हैं उन पर हम लोग लगाम लगाने के लिए एक अभियान चला रहे हैं और एक युद्ध स्तर पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी कार्रवाई के अंतर्गत एक गैंगस्टर एक्ट के मुलजिम वसीम अहमद और उनके जो सह अभियुक्त हैं खुशी केशरवानी, इनके गैंग पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। ये गैंगस्टर एक्ट में इनके तहत कार्रवाई चल रही थी और आज उसी क्रम में इनकी जो तमाम चल और अचल संपत्ति जो कि आपराधिक गतिविधियों से जुटाई गई थी को यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसको कुर्क कर दिया गया है। लगभग टोटल जो प्रॉपर्टी बताई जा रही है उसमें उनकी तमाम जगहों पर ज़मीनें हैं जो अवैध रूप से इन्होंने ली हैं, मकान है जो कि उस आपराधिक गतिविधियों से मिले पैसे से बनाया गया है, प्लस इनकी 2 गाड़ियां हैं। तो कुल मिला जुला के लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए के आसपास की जो संपत्ति है वो कुर्क कर दी गई है। और आगे की इसी तरह हम लोग बाकी भी जो हमारे जनपद में गैंगस्टर्स हैं जिन्होंने अवैध रूप से संपत्तियाँ जुटाई हैं, आपराधिक गतिविधियों से जुटाई हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन सभी पे ये कार्रवाई करेंगे। और ये पहली का स्टार्ट हुई है, बड़ी कार्रवाई है, इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा और आगे भी हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सर, गैंग के सदस्य गिरफ्तार हुए कि अभी उन पे उन्होंने माननीय न्यायालय से अरेस्ट ले रखा था और भी चीज़ें हम उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाल रहे हैं, उसके अनुसार उन पे कार्रवाई होगी।